दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ। कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो। मंडी से बीजेपी की पसंद बनी कंगना रनौत। कांग्रेस नेत्री ने लांघी अपनी मर्यादा। लोकसभा चुनाव में एक पोस्ट कांग्रेस को पड़ेगा भारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की तो उसमें कईयों के पत्ते कट गए, तो कई नए खिलाड़ी मैदान में उतारे गए। उनमें से एक है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। लेकिन बीजेपी की इस उम्मीदवार से कई लोगों को परेशानी है। लेकिन जब आप किसी पर हमला करते करते अपनी मर्यादा भूल जाए तो उसे ओछी राजनीति कहते हैं। कांग्रेस की नेत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंगना रनौत को लेकर कुछ ऐसा ही किया गया जिस पर अब अलग अलग राजनीति चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने जहां चारों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, यहां पर मंडी लोकसभा सीट से सबसे हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उतार दिया है। कंगना रनौत पिछले कई सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलती हुई दिखाई देती है। वही कांग्रेस पर हमलावर भी रहती है और उनके कार्यकाल पर सवाल भी उठाती है। बीजेपी ने अपनी टीम में भले 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा किसी सीट की है और उम्मीदवार की हो रही है तो वो है मंडी लोकसभा सीट और यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट कंगना। क्योंकि कंगना को लेकर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक विवादित पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया क्या भाव चल रहा है मंडी का, कोई बताएगा, और इसमें कंगना रनौत की एक फोटो भी लगाई, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया। चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अब बीजेपी को कांग्रेस का महिला विरोधी मुद्दा मिल गया है जिसे लेकर वो कांग्रेस पर लगातार हमला कर। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर एक्स पर अपनी बात भी रखी है और बताया कि ये किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए किया है। वे कभी भी किसी महिला के लिए इस तरह के भद्दे कमेंट और शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। एक बार आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की, मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकता। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। वही सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें देश की बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठाना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन और परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचा जाना चाहिए। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हो गया। राहुल गांधी की करीबी सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस पर नेहरूवादी चेहरा दिखाया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस को घेरा और लिखा, ये वाहियात से भी आगे है। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के इस तरह के कमेंट घिनौने हैं। क्या प्रियंका गांधी इस पर कुछ बोलेंगी? क्या मल्लिका अर्जुन खड़गे सुप्रिया श्रीनेत को हटाएंगे? हाथरस वाली लॉबी अब कहाँ है? खैर, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि जिसने भी ये किया है उसे वो छोड़ेंगी नहीं।
वहीं इस बीच सवाल उठता है, भले ही किसी और ने ये पोस्ट किया हो, लेकिन क्या एक महिला के चरित्र को लेकर इस तरीके से हमले से बचा नहीं जा सकता है? पितृसत्तात्मक सोच हमारे समाज पर आज भी हावी है और वो हमेशा दिखाई देती है। और राजनीति में जिस तरीके से राजनीति करते हुए हर नेता अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं और महिलाओं पर इस तरीके के कमेंट्स को ये पहली बार नहीं है। हमें कई बार हर चुनाव में महिलाएं नेताओं के ऊपर इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। वही सबसे दुख होता है जब एक महिला नेता दूसरी महिला नेता पर इस तरीके के कमेंट्स करती है। ऐसे में पितृसत्तात्मक सोच हमारे समाज पर कब तक हावी रहेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।